सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या समझ पा रहे हैं, इसका भौतिक सत्यापन करने के लिए सरकार की ओर से प्रशासनिक अफसरों को प्रतिभा पर्व में स्कूलों में भेजा गया। जब बड़वाह में अफसरों ने बच्चों से सवाल किए तो उनके अटपटे जवाब सुनकर वो दंग रह गए। शासकीय माध्यमिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तहसीलदार RS पाटीदार और नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी ने बच्चों से सवाल जवाब किए। नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी ने विद्यार्थियों से विज्ञान के बारे में पूछा तो कुछ विद्यार्थी इसका जवाब नहीं दे पाए। वहीं उन्होंने बच्चों से अपनी जिज्ञासाओं के बारे में भी सवाल किए और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कहा। वहीं तहसीलदार पाटीदार ने विद्यार्थियों को कहा कि मोबाइल का उपयोग, इंटरनेट से सॉल्यूशन देखने मिले, आप स्कूल की पढ़ाई के अलावा नोट्स, प्रश्न पत्र, किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल का अधिक उपयोग ना करें। इस दौरान विद्यार्थियों से माध्यान्ह भोजन के बारे में भी पूछा गया। इस दौरान BRC DS पवार भी मौजूद रहे। प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना हर चीज समझ जाओगे। ब्लड देखते हैं, हाथ से निकला ब्लड, तो सोचो उसमें ये ब्लड रेड क्यों दिख रहा है, येलो भी दिख सकता था और दूसरा कलर रह सकता है, तो रेड क्यों दिख रहा है। फिर पूछो दूसरों से, पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, उनको नहीं आएगा पड़ोस से पूछो, बड़े भैया बहन जो भी रहेंगे उनसे पूछो, टीचर से, टीचर सबसे बात करेंगे, ऐसे करके सब पढ़ाई करो। प्रतिभा पर्व के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा बच्चों की प्रतिभा की परीक्षा ली गई, जहाँ पे बच्चों की 6वीं 7वीं 8वीं की एग्ज़ाम चल रही थी। बच्चों से परीक्षा के बारे में पूछा गया, कोई डर तो नहीं लग रहा है, उनकी क्या उत्सुकता है, उनसे कुछ जनरल मौखिक प्रश्न भी पूछे गए जिनका अच्छा उत्तर दिया उनके द्वारा। भोजन किस प्रकार मिलता है इसके बारे में जानकारी ली गई, उन्होंने बताया मेनू अनुसार अच्छा साफ सफाई से भोजन मिलता है, आज भी दाल चावल आलू मटर की सब्जी और पराठे दिए गए। यानी कुल मिला के बच्चों में इस परीक्षा से उत्सुकता बढ़ी है और विषयों के प्रति उनकी विषय वस्तु रुचि बढ़ी है और परीक्षा का भय समाप्त हुआ है। बच्चों से सवाल जवाब किए गए, उन्होंने अपनी उत्सुकताएँ भी बताई, उनके जवाब भी दिए उन्होंने, और आगे उनको कैसे पढ़ना है इसके बारे में उनको जानकारी दी।